और मध्य प्रदेश के 14 जिले तेज बारिश से बेहाल हैं। विदिशा में 40 से ज्यादा गांवों से लोग निकाले जा चुके हैं, रेस्क्यू किया जा रहा है। विदिशा में 100 लोगों को हेलीकॉप्टर से निकालने के लिए मदद मांगी गई। रायसेन के 163 गांव बाढ़ के पानी में घिर गए हैं। एमपी के गुना में तेज बारिश से हालात बदतर होते जा रहे हैं। निचले इलाकों में बारिश का पानी भर चुका है। रिहायशी इलाकों में घर और सड़कें पानी में डूबे। तस्वीरों में सड़क का नामो निशान तक नहीं दिख रहा, सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बारिश के चलते राघोगढ़ का गोपी कृष्णा सागर बांध ओवरफ्लो होने लगा, जिसकी वजह से बांध के 5 गेट खोल दिए गए। बारिश के चलते मध्य प्रदेश के जबलपुर के हालात भी बिगड़ते जा रहे हैं। सड़कों पर पानी भर चुका है, नाले उफान पर, गोकुलपुर तालाब ओवरफ्लो हो रहा है। कोई भी नहीं आया अभी तक। आने वाले 24 घंटे में मौसम विभाग ने यहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिला प्रशासन ने स्कूल और कॉलेज बंद रखने का आदेश दिया है। वहीं रेस्क्यू टीम निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में लगी है। पूरे मध्य प्रदेश का हाल बेहाल है। आसमानी आफत की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए। मकरंद पूरे मध्य प्रदेश का हाल बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मकरंद, इस बीच ये बताइए कि मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से की ओर से क्या दिशा निर्देश दिए गए, खास करके उन जगहों पर जहां पर बाढ़ जैसे हालात है और लोगों को लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू टीमें वहां पर कैसे काम कर रही हैं? देखिए, भोपाल में कल जिस तरह से बारिश हुई और अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर मौजूद थे, उस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मॉनिटरिंग तो कर रहे थे, लेकिन देर रात जैसे ही अमित शाह रवाना हुए, उसके बाद आपात बैठक सीएम हाउस में बुलाई गई। सीएम हाउस में बैठक में पूरी रिपोर्ट मध्य प्रदेश के जहाँ जहाँ जिन इलाकों में बारिश हुई है, जहाँ पर जल तांडव है, वहाँ की रिपोर्ट ली गई। और इसके अलावा NDRF SDRF की जो टीमें हैं उनको डिप्लॉय कर दिया गया है, खास करके जो नदी के किनारे के बेल्ट है, चाहे वो बेतवा नदी हो, चाहे चंबल हो, चाहे नर्मदा हो, चाहे अमजान नदी हो, इन तमाम नदियों के किनारे NDRF SDRF की टीमें तैनात है, क्योंकि बांध से जो पानी छोड़ा जाता है वो पानी घरों में घुस रहा है और उस वजह से जो गांव के किनारे थे वो खाली कराए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं वो है डैम के नजदीक के इलाके, लेकिन शहर क्योंकि 39 जिलों में ये अलर्ट जारी किया गया है, जो हालात हैं वो इसलिए भी नहीं सुधर रहे क्योंकि पानी का स्तर कम नहीं हो रहा है। इस बीच सबसे ज्यादा इफेक्टेड जो एरियाज हैं, क्या अलर्ट को लेते हुए उन्हें खाली करा दिया गया है? क्या लोगों के लिए अल्टरनेटिव शेल्टर्स बनाए गए हैं जहां कोशिश की जा रही है रेस्क्यू टीम की तरफ से कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके? देखिए, जिन गांवों को खाली कराया गया है उनको जो रेस्क्यू सेंटर्स बनाए गए हैं, आसपास के जो स्कूल हैं, जो धर्मशालाएं हैं या फिर जो सामुदायिक केंद्र हैं, वहां पर उनको रेस्क्यू करके लाया गया है। अच्छा। पानी उतरने के बाद उनको वापस उनके घर पर पहुंचाया जाएगा। अभी फिलहाल उनके खाने पीने की व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार दिशा निर्देश दे भी रहे हैं। पहले भी जो कलेक्टर्स हैं इन जिलों के, मुख्यमंत्री ने उनसे फ़ोन पर चर्चा की थी और हालात के बारे में पूछा था, और सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो जनहानि रोकने का है। पहले भी हमने जो धार में जो परिस्थिति बनी थी डैम टूटने कि उस समय भी देखा था कि प्रशासन सबसे पहले जनहानि होने से रोकता है और उसके बाद जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, लोगों को रेस्क्यू करने का काम है, उनको खाना पीना देने का काम है, इस काम में भी पिछले कुछ समय में काफी तेजी आई है। और पहले से प्रिवेंटिव एक्शन लेना अब प्रशासन ने काफी हद तक कुछ इलाकों में सीख लिया है, जहां पर पहले ही गाँव को खाली करा लिया जाता है, मुनादी करा दी जाती है, और उसके बावजूद अगर कुछ लोग नहीं निकलते हैं तो थोड़ा सा उनको समझाइश देके या उनको जबरदस्ती भी वहां से निकालने की कोशिश। ये भी बताना जरूरी है कि आखिर मध्य प्रदेश में जल तांडव कैसा मचा हुआ है। आज भी भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है और कहा यह भी जा रहा है कि लगातार 3 दिनों तक बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त रहेगा। भारी बारिश के कारण उफान पर है नदी नाले और डीप डिप्रेशन की वजह से भारी बारिश हो रही है। बताया जा रहा है कि करीब 50 छोटे बड़े जो डैम है वो ओवरफ्लो हो गए लगातार हो रही बारिश की वजह से, और ये डैम है नर्मदा, बेतवा, शिप्रा जैसी नदियां उफान पर है। कई जिलों में तो बाढ़ जैसे भी हालात बन गए हैं। आज की अगर हम बात करें तो ताजा हालात को देखते हुए प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है और कहा है कि आज 11 जिलों में जो स्कूल है
वो बंद रहेंगे। तो इस तरीके के एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। मकरंद हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे अपडेट हासिल कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और जानकारी आपको दे देते हैं, हालात आखिर मध्य प्रदेश में कहां कहां पर खराब है। राजधानी भोपाल में भी लगातार बारिश हो रही है, वहीं इंदौर की अगर बात करें तो वहां पर भी जल तांडव है और स्कूल यहां पर भी फिलहाल बंद किए गए हैं। उज्जैन में भी स्कूल बंद किए गए हैं ताजा हालात को देखते हुए। रतलाम, सागर, विदिशा, अशोकनगर, शिवपुरी, आगर मालवा, नर्मदापुरम, देवास, ये वो इलाके हैं जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात बहुत ज्यादा खराब है और जिला प्रशासन ने एहतियातन स्कूल बंद कर दिए गए ताकि स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी ना हो। मकरंद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। मकरंद, लेकिन मौसम विभाग ने क्या कहा है आने वाले दिनों में? कहा जा रहा है कि इसी तरीके से बारिश होती रहेगी और ये तो अच्छा कदम उठाया गया प्रशासन की ओर से कि फिलहाल के लिए स्कूल बंद कर दिए गए, क्योंकि स्कूली बच्चों को हम देखते हैं इस बीच काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मौसम विभाग क्या कह रहा है, कब तक ऐसे हालात रहेंगे आसमानी आफत के मध्य प्रदेश के लिए? देखिए, अगले 24 घंटे के लिए तो अलर्ट जारी किया ही गया है और उसके अलावा ये जो सिस्टम बना हुआ है ये राजस्थान की तरफ मूव कर रहा है। अगर तेजी से ये सिस्टम उस साइड मूव कर गया तो मध्य प्रदेश को थोड़ी सी राहत मिलेगी, वरना आने वाले 24 से 48 घंटे काफ़ी क्रूशल हैं। स्कूल कई जिलों में बंद करने के आदेश कल शाम को ही जारी कर दिए गए थे। इसके अलावा कई इलाकों में जहां पर बरसात तेज हुई है और उसके साथ हवाएं बहुत तेज चली हैं, यानी 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं कई इलाकों में, इसकी वजह से बहुत सारे पेड़ टूटे हैं, बहुत सारी बिजली की लाइन्स डैमेज हुई हैं। तो बिजली बहुत सारे इलाकों में नहीं है, इस वजह से और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले 24 घंटे से बिजली नहीं होने से ना वहाँ पर फ़ोन चार्ज हो पा रहे हैं ना मोबाइल चार्ज हो पा रहे हैं, तो संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। इसके अलावा रास्ते में पानी होने की वजह से लोग भी आ जा नहीं पा रहे हैं। तो इस बारिश ने केवल मतलब जल भराव ही एक अकेला संकट नहीं है, इसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पेड़ टूटने की वजह से कई वाहनों को क्षति पहुँची है, कई जो टेलीफोन लाइन्स है, जो बिजली की लाइन्स है, वो कट गई हैं। तो ये परेशानी जो है ये आने वाले कुछ समय तक तो चलेगी। मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि क्योंकि इसी के तहत ये कह सकते हैं कि जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है और क्योंकि लगातार बारिश हो रही है इस वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इस बीच एक डेटा अब इन्फॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने होगा जहां आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कितनी बारिश दर्ज की गई है, क्योंकि सामान्य बारिश का स्तर अगर 10 mm है, बारिश अभी तक हो चुकी है 146.6 mm, जबकि कितनी ज्यादा है ये 1366% ज्यादा है। ये 22 अगस्त के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि सामान्य बारिश का स्तर जहां एक तरफ राजगढ़ में 10.6 mm रहता है, वहीं यहां अभी तक 178.5 mm बारिश हो चुकी है, यानी 1584% ज्यादा। अब आगर और मालवा की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सामान्य बारिश का स्तर जहां 7.7 mm था वहीं 106.8 mm तक बारिश हो चुकी है, यानी 1287% ज्यादा। अब विदिशा की तस्वीर भी आपके सामने, क्योंकि ये जो 22 अगस्त के आंकड़े हैं ये अलार्मिंग जरूर है, 10.2 mm जो कि एक सामान्य स्तर रहता है बारिश का, उससे कहीं ज्यादा 140.2 mm बारिश, यानी 1275% ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है अभी तक। और वहीं गुना में भी देखिए हालात इसलिए बिगड़ रहे हैं क्योंकि जहां सामान्य स्तर पर 15.6 mm बारिश होती थी, वहीं ये बढ़कर अभी तक 210 mm तक दर्ज की जा चुकी है, यानी 1246% ज्यादा। अब रायसेना के भी आंकड़े जरा चौंकाने वाले इसलिए क्योंकि यहां जो बारिश का सामान्य स्तर 11.6 mm का रहता था, वहीं 132.3 mm अभी तक बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो कि 1041% ज्यादा बताया जा रहा है। अशोकनगर के आंकड़े आपके सामने जहां 10.4 mm सामान्य तौर पर बारिश होती थी, वहीं 112.8 mm बारिश अभी तक दर्ज की जा चुकी है, जो कि 984% ज्यादा बताई जा रही है। तो ये 22 अगस्त के आंकड़े आपके सामने उस लिहाज से भी बहुत जरूरी है, जो तस्वीरें आ रही हैं उसके तहत पता लग रहा है कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं। और सागर का हाल भी कुछ ऐसा ही है जहां सामान्य तौर पर बारिश होती थी 6.4 mm, अब 144.8 mm बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो कि 783% ज्यादा बताया जा रहा है। और इसके अलावा अब नरसिंहपुर के आंकड़े भी आपके सामने जहां 12.9 एक सामान्य स्तर होता था बारिश का, जो कि बढ़कर 108.9 mm हो चुका है, यानी 744% ज्यादा।